आज हम देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सबको, आपके परिवारों को ढेर सारी बधाई, जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के पदक प्राप्त किए हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय के पदक प्राप्त किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पदक प्राप्त किए हैं, उनको भी बधाई। जिन्होंने पुलिस मुख्यालय स्तर के पदक प्राप्त किए हैं, उन सभी को भी बधाई। जो एक बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी G20 के 3 आयोजन उत्तराखंड में हुए और विभिन्न देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, तीनों जगह उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। एक बात जो कॉमन, मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लगी, वो ये कि हर एक के मुंह से एक बात निकली, अब इंडिया अब उभरती हुई पावर है। हर कोई इस बात का एहसास कर रहा है दुनिया में कि अब भारत का समय आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कह चुके हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम देश की तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था होंगे, और जो विजन आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिखाया गया है कि 2047 तक वर्ल्ड एक सुपर पावर होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं। जो जैसा मैंने कहा, G20 के देशों से जितना हमने इंटरेक्ट किया, हर जगह इस बात का एहसास है कि आने वाला समय भारतवर्ष का है। सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे देश को रोक सकती है, और वो है राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो देश को कहीं ना कहीं अभी भी तोड़ने के प्रयासों में लगी रहती हैं। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, सांप्रदायिकता हो, ये सब कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा प्रायोजित है, और इन सब को रोकने में आप सबकी, हम सबकी, जो भी खाकी वर्दीधारी हैं, हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, और उसका पालन हम कराते रहेंगे तो हम सर्टेनली 2047 नहीं, उससे पहले ही एक वर्ल्ड में सुपर पावर होंगे। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।